Dear students, assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, today we will continue the topic rocks and minerals. Dear students, rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. There is the given figure of two important historical buildings. You can see there the Red Fort and the Taj Mahal. The Red Fort is made up of red sandstone. The Taj Mahal is made up of white marble. Well, you can collect some more pictures of the monuments which are constructed by the rocks, which are built by the rocks, and you can differentiate between the different kinds of rocks. Dear students, you use stones in many games, for example, seven stones, hopscotch, five stones, etc. So you can find out some more such games by asking your grandparents or your friends. Dear students, you will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. जो rocks होती हैं ये एक जो इनकी condition होती है उस से ये दूसरी condition में तब्दील हो जाती है एक cyclic manner में. तो इस तब्दीली को हम रॉक साइकिल कहते हैं. जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा, यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज. जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड बिकम्स द इग्नियस रॉक. दीज इग्नियस रॉक्स आर broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. यही जो igneous rocks होती हैं, ये जब break down होती हैं heat और pressure से, तो इनके जो छोटे छोटे वो टुकड़े होते हैं वो पानी के ज़रिए से या विंड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसी दूसरी जगह, वहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं. तो वहाँ जो ये डिपॉजिट होते हैं फिर वहाँ ये दब जाते हैं अंडर सीवियर हीट एंड प्रेशर, दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है. व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, अगर ये भी जब ये ऐसी कंडीशंस में होती हैं कि इनको इन पे सीवियर प्रेशर और हीट जब इन पे पड़ जाती है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं. तो इस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है एक और किस्म की रॉक. तो इस तरह से हमने देखा कि इग्नियस रॉक जो मोल्टन मैग्मा से बनी, उससे के ब्रेकडाउन से फिर सेडिमेंट्री रॉक कहीं पे डिपॉजिट हो गई, और फिर सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक इन दोनों के चेंज होने से हम देखते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा. अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं ये भी जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर
की कंडीशंस में होती है, तो ये फिर दोबारा मोल्टन मैग्मा में ये चेंज हो जाती है। द मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स, और ये मोल्टन मैग्मा फिर दोबारा से कूल डाउन होके इससे इग्नियस रॉक बन सकती है। तो इस चेंज को, एक रॉक से दूसरी रॉक बनना, फिर इससे तीसरी रॉक बनना, पहले हमने देखा इग्नियस रॉक से किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक बन गई, सेडिमेंट्री रॉक से फिर किस तरह मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, फिर मेटामॉर्फिक रॉक से दोबारा हम देख सकते हैं कि ये मोल्टन मैग्मा में चेंज हो सकता है, और फिर इससे दोबारा से इग्नियस रॉक बन जाती है। तो इस तरह से जो साइकिल बन जाता है, इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज अ रॉक साइकिल, व्हाट इज अ रॉक साइकिल, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, यू कैन से दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। ओके, आई विल रिपीट, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इन टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर सिटल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इन टू इग्नियस रॉक्स। सो दिस इज द रॉक साइकिल। यू कैन सी द फिगर 2.4 विच इज गिवन दियर ऑन द पेज ऑफ योर बुक। इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक पे वहाँ पे ड्रा भी कीजिए और उस पे नाम भी लिख दीजिए कि किस तरह से पहले मोल्टन मैग्मा जो होता है वो किसी जगह से लावा जो है वो निकलता है, फिर उसे इग्नियस रॉक बनती है, फिर उसे सेडिमेंट्स कहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं जिससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है, और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से फिर किस तरह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, और मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से मोल्टन मैग्मा में चेंज हो सकती है। सो दिस इज द रॉक साइकिल। तो ये रॉक साइकिल के बारे में था। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। इन मेडिसन, इन फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। टुमारो इन द नेक्स्ट लेसन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।